हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोना फ्रॉम सर्व स्टार चैनल और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस ठंड के मौसम में आपके लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर के स्वाद को दुगने करने वाले नो ऑयल अचार की रेसिपी, जो है बिना ऑयल का हरी मिर्च और नींबू का अचार। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत कम मसालों में बनकर तैयार होता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक बार आप इस अचार को ज़रूर ट्राई करें, आपको ये अचार बहुत पसंद आएगा और बनाने में बहुत ही आसान है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अगर ये नींबू और हरी मिर्च का अचार आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब हम जल्दी से ये टेस्टी सा नींबू और हरी मिर्च का अचार बनाना शुरू करते हैं। हरी मिर्च और नींबू का बिना तेल का अचार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए 250 ग्राम हरी मिर्च, इस तरह की थोड़ी सी मोटी मिर्च का चूज़ करेंगे हम। इसके अलावा 250 ग्राम नींबू, 100 ग्राम राई की दाल, ये बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाती है। एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार और थोड़ी दरदरी की हुई सौंफ 2 छोटी चम्मच। तो अब सबसे पहले हम ये मिर्ची की इस तरह से टॉप अलग करेंगे इसका और बीच में से इस तरह से हम इसमें कट लगाएंगे इस तरह से। अगर आप चाहें तो पूरी साबुत मिर्च भी रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये बड़ी बड़ी सी है इसलिए मैं इसके 2 पीस कर रही हूँ। जो छोटी मिर्च होगी उसे हम साबुत रहने देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे मिर्च में कट लगा लिया है। और अब इसके बाद ये जो नींबू हमने लिए हैं इसमें से हम 2 नींबू के छोटे छोटे पीस कट करके इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च के साथ। और अब इसके बाद इसमें से ये सारे बीज कोशिश करें कि सारे बीज इसके निकल जाएं नींबू के। और अब इसके बाद मैंने एक दूसरी प्लेट ले ली है, इसमें हम मसाला तैयार करेंगे। तो इसमें राई की दाल, नमक स्वाद के अनुसार ऐड करें आप, सौंफ, सौंफ से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसमें मैंने आधी सौंफ जो है वो बिल्कुल दरदरी यूज़ की है और आधी जो है वो साबुत रखी है, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। और इसके अलावा हल्दी, यहाँ पर हम 1 छोटे चम्मच के करीब हल्दी का यूज़ करेंगे। और अब इसके बाद 1 नींबू फिर से लेंगे, इसे मैंने कट कर लिया है बीच में से। और अब इसके बाद ये नींबू का रस निचोड़ने की जो मशीन है इसकी हेल्प से हम इसका रस निकाल लेंगे इसमें। और अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह से ये सभी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। और अब इसके बाद यहाँ पर मैंने ली है एक ये कांच की बर्नी, इस तरह से हमें ये अचार कांच की बर्नी में ही रखना है। तो इसे यहाँ पर रख लेंगे एक तरफ, इसे मैंने साफ़ धो लिया है। अब हमें क्या करना है, पहले 1 चम्मच मसाला इसमें हम नीचे इस तरह से बिछा देंगे बर्नी में। और अब ये जो हमने कट लगाए हैं ना हरी मिर्च में, इसमें हमें ये मसाला भरना है इस तरह से हल्का हल्का, और इसे इस तरह से बर्नी में डालते जाएंगे। और अब इसी तरह से मैं सारी मिर्चियाँ भरकर तैयार कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने भर लिया है, इतना मसाला हमारा बचा है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले ये जो हमने नींबू के स्लाइस कट करके रखे हैं ना वो इसमें हम ऐड कर देंगे इस तरह से। और अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारे बचे हुए नींबू है ना इसका हमें रस हमारे अचार में ऐड करना है। तो इसे इस तरह से कट कर लेंगे और इस तरह से इसमें रस निचोड़ देंगे नींबू का। तो ये देखिए, मैंने इसमें नींबू निचोड़ दिए पूरे। अब ये बचा हुआ जो हमारा मसाला है इसको हम ऐड करेंगे। और अब इसके बाद 1 नींबू और बचा हुआ था उसे भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी बाद में। और अब इसके बाद इस तरह से हम इसकी लीड कवर कर देंगे इस पर और एक बार इसे शेक कर देंगे। और अब आपको इसे 3 से 4 दिन धूप में रखना है, इसके बाद ये खाने लायक हो जाएगा। इसे आप इंजॉय करिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो आप इस बार ये नींबू और मिर्च का अचार ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।